सो ये है मेरे साथ हीरो एक्सट्रीम 160R 4V 2024 एडिशन। ये केवलर ब्राउन कलर में आया है। इसमें काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स आते हैं जो दूसरे 160 सेगमेंट में नहीं आते हैं। क्या है वो सारे फीचर्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू थैंक दार्जिलिंग हीरो फॉर गिविंग मी दिस मोटरसाइकिल। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। सो ये है दी ओनली हीरो एक्सट्रीम 160R 4V। ये केवलर ब्राउन कलर में आता है। अगर फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है, नंबर प्लेट होल्डर, हीरो का बैजिंग, हाई बीम लो बीम दोनों आपको LED लाइट्स मिलते हैं और यहाँ पे आपको DRL देखने को मिलते हैं। इस तरफ अगर देखें यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश देखने को मिलते हैं, वो भी ग्लॉस पैटर्न में। LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं। ये प्रो वेरियंट है तो इसमें आपको जो है KYB के आपको यहाँ पे USD सस्पेंशन देखने को मिलते हैं विथ रिफ्लेक्टर। सामने की बात करें तो यहाँ पे आपको 276mm के आपको फ्रंट में डिस्क देखने को मिलता है विद ड्यूअल चैनल ABS। साथ ही साथ इसमें आपको फर्स्ट इन द सेगमेंट पैनिक ब्रेकिंग अलर्ट भी मिलता है। पैनिक ब्रेकिंग अलर्ट क्या होता है वो मैं आपको चलते समय बताऊंगा। यहाँ पे आपको CH Zoom प्लस के टायर देखने को मिलते हैं। 17 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर है और 17 इंचेस के आपको अलाउ देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको बैजिंग भी दिया गया है डुअल चैनल ABS का। यहाँ पे आपको जो है ऑयल कूलर का बैजिंग दिया गया है। अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपको हीरो का बैजिंग एक्सट्रीम जो है 3D में लिखा हुआ है, 160R लिखा है, R में जो है कार्बन फाइबर फिनिश दिया गया है। अब बात करते हैं इंजन का। 163.2 सीसी का इंजन है, 4-स्ट्रोक एयर ऑयल कोल्ड 4-वाल्व इंजन है, 16.9 BHP और 14.6 Nm ऑफ टॉर्क डिलीवर करता है। इसको मिलता है 5-स्पीड गियरबॉक्स। इस तरफ देखेंगे तो प्रोग्राम्ड FI का यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिलता है, ब्रेक लीवर, फुटरेस्ट, पिलियन के लिए फुटरेस्ट, बड़ा सा एग्जॉस्ट। यहाँ पे आपको मोनो सस्पेंशन दिया गया है पीछे की तरफ। अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपको ग्लॉस में जो कार्बन फाइबर फिनिश देखने को मिलता है, हीरो का स्टिकरिंग है। इसको फ्लैटर सीट प्रोफाइल मिलता है जिसके कारण इसका ओवरऑल कंफर्ट बढ़ चुका है और पिलियन के सीट हाइट लेवल को भी सिग्निफिकेंटली लो कर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको 160R का स्टिच्ड यहाँ पे आपको जो है बैजिंग दिया गया है। अगर इस तरफ देखें तो टैंक जो है 12 लीटर का टैंक है। एंड अगर इस तरफ अगर आते हैं तो पीछे आपको मिलता है CH Zoom रैप के टायर। ये रेडियल टायर है, 130/70/17 सेक्शन के टायर आपको मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर है। पीछे आपको 220mm ऑफ डिस्क मिलता है विथ ABS। अगर हम इस तरफ बात करें तो यहाँ पे आपको जो है नए टेल लैम्प देखने को मिलता है जिसमें DRL ग्लो होते हैं और अगर आप ब्रेक प्रेस करते हो तो यहाँ पे LED ग्लो होते हैं। LED इंडिकेटर्स आपको दिए गए हैं, नंबर प्लेट होल्डर यहाँ पे है। अगर हम इधर बात करें तो यहाँ पे आपको जो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से साइड गार्ड देखने को मिलते हैं, डबल स्टैंड, सिंगल साइड स्टैंड विद ऑटो कट ऑफ के साथ, 5-स्पीड गियरबॉक्स का लीवर दिया गया है। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसको टोटल 165mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और ओवरऑल बाइक का जो कर्व वेट है वो है 146 किलो। अभी अगर इस तरफ आए तो यहाँ पे आपको फ्यूल नॉब देखने को मिलते हैं जिसमें आपको कार्बन फाइबर फिनिशिंग देखने को मिलते हैं, जिसमें दो छोटे छोटे वेंट है जो काफी अच्छा लगता है दिखने में। अभी आते हैं स्पीडोमीटर में। स्पीडोमीटर जो है न्यूली डिजाइंड है, इसमें आपको 300% मोर ब्राइटर और ज़्यादा क्लैरिटी आपको देखने को मिलता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। टैकोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल गेज, टाइम, कितना किलोमीटर आपने चला है विथ ट्रिप एंड ट्रिप भी। इसमें फर्स्ट इन द सेगमेंट आता है ड्रैग टाइमर। इसमें आपको D1 और D2 मिलता है। बेसिकली D1 में आपको 0-60 आपने कितना फास्ट किया वो आपको दिखाता है और D2 में क्वार्टर माइल आपने कितना फास्ट किया वो आपको इसमें दिखाता है, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपको पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉन्क, मिरर्स हो गए। एंड इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको हैजर्ड इंडिकेटर का बटन आपको मिलता है, स्टार्ट स्टॉप का यहाँ पे आपको स्विच मिलता है। मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलता है जिससे आप अपने मोबाइल फोन या फिर गैजेट्स को चार्ज कर सकते हैं। ये थे इस मोटरसाइकिल के सारे स्पेसिफिकेशंस जो मैंने आपको अभी बताए। अभी इसको चलाते हैं ऑन रोड और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। बैक ऑन द रोड, सो दिस इज द हीरो एक्सट्रीम 160R 4V। इसको चलाते हैं अब और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस इन रियल एक्सपीरियंस कैसा रहता है। इसका पहले मैं आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। बूमी सा साउंड है। वेल, एक चीज तो मानना पड़ेगा, 160cc सेगमेंट में ये बहुत ही फास्ट पुल करता है, बहुत ही इजीली ये पिकअप को पकड़ लेता है एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट तो ऑफ कोर्स है ही, क्योंकि 160cc सेगमेंट में इतना फास्ट पुल करने वाला मोटरसाइकिल मैंने अभी तक तो नहीं चलाया था। एंड दिस इज़ वॉट इट मेक्स इट डिफरेंट, राइट। 160cc सेगमेंट में भी आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस ही देता है, 16.9 BHP एंड 14.6 Nm ऑफ टॉर्क आपको देता है, जो आपको पहाड़ की चढ़ाई में हो, सिटी में हो, आपको मैन्यूवरिंग के टाइम पे आपको बहुत ईजी ये फील करवाता है। यू डोंट फील लाइक ये आप स्ट्रगल कर रहे हो रोड में फॉर पावर एंड पिकअप।
अभी अगर बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग की, तो इसको जो है ड्यूअल चैनल ABS मिलता है, जिसके कारण आपको एक रिलैक्स ऑफ माइंड मिलता है कि इनकेस गीले रेड हो गए या फिर रोड में किसी भी तरह कोई रफ पैचेस है, मतलब लॉक नहीं होंगे और आप जो है ग्लाइड करते हुए आप उस जगह से इजीली जा सकते हो। जैसे यहाँ पे पानी है, अगर मैं पैनिक ब्रेकिंग भी करता हूँ तो ये लॉक नहीं होगा। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ ABS। इसके साथ आपको इसमें पैनिक ब्रेकिंग अलर्ट भी मिलता है इन केस आप बहुत जल्दी डीएक्सीलरेट करते हो या फिर आप पैनिकली आप अगर आप ब्रेक को प्रेस करते हो तो फॉर 2.5 सेकंड्स, मतलब ढाई सेकंड के लिए आपके चारों इंडिकेटर्स ब्लिंक होंगे, जिससे एनवायरनमेंट को पता चलेगा कि आपने बहुत जल्दी जो है पावर को डीएक्सीलरेट किया है, आपने पैनिक ब्रेकिंग किया है। ये प्रो ऑफ द लाइन है, तो इसमें आपको KYB के USD सस्पेंशन मिलते हैं। USD सस्पेंशन का सबसे बड़ा एडवांटेजेस ये होता है कि आपको इसमें अच्छा स्टेबिलिटी मिलता है वाइल्ड कॉर्नरिंग, वाइल्ड टेकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स, आपको जो बहुत अच्छा स्टेबिलिटी आपको थ्रू आउट द बैंडविड्थ आपको मिलता है। सो स्पीडोमीटर की बात करें तो हीरो ने इस बार इसको 300% मोर ज़्यादा ब्राइटर बनाया है, जिसमें आपको अच्छा क्लैरिटी मिलता है। एंड इन रियल टर्म्स येस दिस इज़ ट्रू, बिकॉज अगर आप ब्राइट सनी डे या फिर आप शेडो एरियाज में अगर आप चलाते हैं तो आपको जो है इसके RPM के मीटर्स में जो भी रीडिंग्स है, ओडोमीटर है, टाइम है, जो भी यहाँ पे सब कुछ है, वो सब आपको जो है क्लियरली दिखता है। सो ये स्पीडोमीटर में आपको जो है ड्रैग टाइमर भी मिलता है। सो 0 to 60 आप कितना सेकंड में कर रहे हो और क्वार्टर माइल आप कितना देर में कर रहे हो वो आपको जो है यहाँ पे आपको दिखाता है। दिस बाइक कम्स विद अ ड्रैग टाइमर। वेल, टायर के ग्रिप्स भी काफ़ी अच्छे हैं, बिकॉज जब मैं कॉर्नर वगैरह कर रहा हूँ तो ग्रिप काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो ड्राई हो या चाहे वो वेट रोड हो, दोनों एस्पेक्ट में ग्रिप्स जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। साथ ही साथ इसको ऑफकोर्स ड्यूअल चैनल ABS मिलता है, तो जिसके कारण आपको दोनों व्हील में जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जिसके कारण आपके व्हील्स लॉक नहीं होते हैं एंड यू डोंट फॉल ऑन अ वेरी पैनिक ब्रेकिंग। सो एक्सट्रीम 160R 4V में जो आपका ये पैनिक ब्रेकिंग है, ये फर्स्ट इन द सेगमेंट आता है। जैसे मतलब 1cc सेगमेंट में या फिर बिलो 300cc सेगमेंट में ये फर्स्ट मोटरसाइकिल है जिसमें आपको पैनिक ब्रेकिंग अलर्ट आता है। अभी अगर बात करते हैं इसके सीट का, तो सीट इज़ वेरी कम्फर्टेबल। ये फ्लैट सीट होने के कारण आपको ज़्यादा अच्छा ग्रिप, ज़्यादा अच्छा कम्फर्ट आपको मिलता है। इनफैक्ट पिलियन के लिए भी जो है काफ़ी अच्छा कम्फर्टेबल ये मोटरसाइकिल रहेगा, क्योंकि इसमें फ्लैट सीट आता है। और जैसे कि मैं ये कुछ ऊबर खबर रेलवे ट्रैक्स के ऊपर से मैं जब जा रहा हूँ, मैं पास कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे ये फील हो रहा है कि हाँ, सस्पेंशन इज़ प्लेइंग रियली वेल। सामने KYB के सस्पेंशन से USD, तो ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। प्लस इसके जो सीट है, सीट के कुशनिंग इतना सॉफ्ट होने के कारण बहुत ही अच्छा कंफर्ट ये दे रहा है। इन केस इवन इफ आई एम गोइंग थ्रू दिस बैड पैच ऑफ रोड, सो मुझे उतना हिप में या बम्प में उतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ तो बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये मोटरसाइकिल। पावर के मामले में काफ़ी अच्छा है, मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट इन दिस सेगमेंट ऑफ 160cc। टॉर्क BHP भी बहुत अच्छा ये डिलीवर करता है। चाहे आप पहाड़ों में चला रहे हो या चाहे आप कहीं भी चला रहे हो, आपको कोई पावर लैग फील नहीं होगा। सिटिंग कंफर्ट इज़ गुड। जो हैंडल है वो पाइप हैंडल बार है एंड द पोजिशनिंग ऑफ द हैंडल बार इज़ रियली गुड। ऑल्सो द पोजिशनिंग ऑफ द फुट पैक्स इज़ रियली कम्फर्टेबल। आप चाहे लंबे हो या आप 5'7" 5'6" के हाइट के बंदे हो, आप जब इसको चलाओगे तो आपको किसी भी तरह कोई दिक्कत फील नहीं होगा, बिकॉज जो राइडिंग पोजिशन है बहुत ही रिलैक्स्ड है। सीट इज़ वेरी कम्फर्टेबल। पिलियन के लिए भी सीट काफ़ी कम्फर्टेबल है, जिसके कारण आप ज़्यादा लंबी दूरी तक आप ट्रैवल कर सकते हो। टायर्स आपको जो पीछे की तरफ आपको रेडियल टायर दिए गए हैं C8 के, और सामने की तरफ भी आपको जो है नॉर्मल टायर दिए गए, जिसके कारण आपको अच्छा ग्रिप मिलता है, राइड क्वालिटी जो है और बेटर इंक्रीज़ हो जाता है। आपको इसमें जो है 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिसमें आपको 48.28 KMPL का माइलेज क्लेम्ड मिलता है। बट इन रियल लाइफ इट डिपेंड्स आप किस तरीके से मोटरसाइकिल चलाते हो, उस तरीके से आपको जो है माइलेज आपको मिलेगा। वेल इन शॉर्ट, दिस मोटरसाइकिल इज़ अ वेरी पावरफुल एंड ग्रंटियर मशीन के साथ ये आता है इन सेगमेंट ऑफ 160cc। इसमें आपको फर्स्ट इन द सेगमेंट आपको अलग अलग फीचर्स मिलते हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। एंड इसका प्राइस पॉइंट भी बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट में आता है। 1,38,500 rupees एक शोरूम दिल्ली ये आपको मिलेगा। जो नॉर्मल इसके वेरियंट है कलर है ग्रीन और ब्लैक कलर जो आता है वो आपको 1,38,500 में मिलेगा। और ये जो केवलर कलर है ये आपको मिलेगा 1,39,500 rupees
एक शोरूम दिल्ली। ये 4V मॉडल है, इसका एक 2V मॉडल भी आता है जिसमें आपको 2 valve इंजन मिलते हैं। उसका प्राइस है 111111, मतलब 111,111 रुपया में आपको जो है 2V वाला मॉडल आपको मिलेगा। सो यस, विद ऑल दैट से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। राइडर SF मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। इन केस इफ यू वांट मोर डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स दिए रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। टिल देन लाइक कमेंट शेयर व्हाटएवर यू वांट।